नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन NFIR के आह्वान पर NFIR ने जो राष्ट्रीय देशव्यापी विरोध जताने के लिए जो रेल कर्मचारियों को आह्वान किया उसको क्रियान्वयन करते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा दिनांक 10 जुलाई से 13 तक विभिन्न स्टेशनों में और कारखानों में इस तरह से प्रदर्शन का विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, कर्मचारी जागरण का भी आह्वान किया, उसको क्रियान्वयन करते हुए आज दिनांक 13 तारीख को अजमेर मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय के सामने उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर द्वारा एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें जो भारतीय रेल की नई जो सरकार आने के पश्चात निगमीकरण की तरह से जो कदम बढ़ा रहे कि पहले फर्स्ट स्टेप में 100 डेज प्रोग्राम के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली को फर्स्ट फेज में एक कॉरपोरेशन बनाने का, बाद में उसी तर्जे पे अन्य प्रोडक्शन यूनिटों और कारखानों को इस कॉरपोरेशन के अधीनस्थ लाने का, टुकड़े आने वाला टाइम में रेल को टुकड़े टुकड़े करने का जो योजना बना रखा है उसके खिलाफ पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए हमने NFIR ने आह्वान किया, इसको क्रियान्वयन करते हुए हमने विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह से 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक अजमेर मंडल का विभिन्न स्टेशनों से, यानी आबू रोड, फालना, मारवाड़, नसीराबाद, भीलवाड़ा, मावली, उदयपुर सहित अजमेर की सभी स्टेशनों में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज अजमेर कारखाना समूह में भी यह प्रदर्शन किया। मैं SI जैकब, मंडल अध्यक्ष, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर।